learn maths. Okay, so in previous maths video lecture we have done exercise 3.1 and also learned about abacus. Okay, concept of abacus. So what is abacus, student? You can see these two. Okay, it's called abacus. Okay, abacus kyu use hota hai? Abacus is a tool used for counting. Yes, counting ke liye use hota hai. Okay, और ये जो है वो abacus के spike है. ये जो आप देख सकते हो ना sticks, वो है spike. Okay, जिसमें beads रख के हम लोग counting करेंगे. Okay, तो पहले video lecture में देखा हमने कि एक bundle बना के 10 thing का bundle बना के हम लोग counting करते थे. Okay, 10 thing का bundle means 1 10. Okay, और बाकी की जो 0 to 9 के बीच में जो भी number आते थे वो हम लोग ones में लेते थे. ऐसे counting करते थे, फिर abacus का use करके counting करते थे. ओके, आज हम लोग abacus का यूज करके कैसे काउंटिंग होती है वो हम लोग देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, टेक आउट योर बुलेट एंड ओपन पेज नंबर 8585. ओके, यू कैन सी हियर एक्सरसाइज 3.2. ओके, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.2. ओके, बिफोर दिस आई टेक वन डेमो फॉर यू. यू कैन सी हियर दिस इज स्पाइक abacus. ओके, ये स्पाइक abacus है, इसमें बहुत सारी स्टिक्स है, स्पाइक्स है. ओके, जिसको हम लोग रॉड बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लोग 2 spike ही यूज करेंगे. वी विल यूज ओनली 2 spike. ओके, वन इज फॉर वंस एंड अदर इज फॉर टेंस. ओके, हम लोग वंस और टेंस 2 spike ही यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, सो आई एम टेकिंग 2 beads. ओके, और मैं यहाँ पे 2 beads जो है वो वंस वाले, ये याद रखना, ये जो लास्ट वाला है वो वंस वाला स्पाइक है. ओके, तो ये वंस वाले स्पाइक में मैं 2 beads ऐड कर रही हूँ. हाउ मेनी? 2. ये जो पिंक कलर के बीड है वो वंस के है. ओके, देन आई एम टेकिंग 1 green colored बीड. ओके, एंड ऐड दिस बीड टू 10 spike. ओके, ये 10 वाले स्पाइक में मैं ग्रीन कलर का बीड रख रही हूँ. पिंक वाला बीड जो है वो वंस के लिए है और ग्रीन कलर का बीड है वो टेंस के लिए. ओके, दिस स्पाइक इज फॉर वंस एंड दिस इज फॉर टेंस. ओके, तो चलो अभी मैंने इसमें बीड ऐड किए, तो अभी हम लोग इससे कैसे काउंटिंग कर सकते हैं. ओके, तो वंस वाले स्पाइक में कितने बीड्स है? 2 beads, यानी कि 2 ones. इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2 ones. कैसे? ऐसे 2 ones, 2 ones. ओके, और ये जो ग्रीन वाला है वो किसके लिए है? टेंस के लिए, यानी कि 1 bead है तो 1 10. ओके, 1 10. ओके, तो 1 10 2 ones, 1 10 2 ones, मैं 1 10 2 ones, मैं 1 2 12, 1 10 2 ones, मैं 1 2 12. तो ये कितना हुआ? 12. कौन सा नंबर है ये? 12. ओके, तो ऐसे हम लोग बीड्स स्पाइक abacus का यूज करके हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं. और यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में भी हम लोग यही करने वाले हैं. ओके, जहाँ पे बीड दिए गए हैं उसको काउंट करके जो नंबर मिलता है वो हम लोग लिखेंगे, फिर नंबर के यूज से हम लोग बीड इसमें रखना सीखेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. हियर वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ओ लिखा है. O means, O stands for ones and T stands for tens. Okay, O means ones and T for tens. Okay, तो यहाँ पे O यानी कि ones, ones वाले spike में. Okay, कितने beads हैं? How many beads are there? Okay, there are 3 beads. 1, 2, 3. Okay, यानी कि 3 ones. और यहाँ पे tens वाले spike में, okay, tens वाले board में एक भी bead नहीं है. There is nothing. It means 0 tens. ओके, यहाँ पे टेंस का कोई बीट ही नहीं है, यानी कि कोई नंबर नहीं है, ओनली वंस का है, 3 ones. ओके, तो आंसर इज 3. ओके, क्यों यहाँ पे 3 लिखा है? क्योंकि वंस, वंस का जो नंबर है वो ओनली 1 place ऑक्यूपाई करता है. ओके, ये 1 place ही ऑक्यूपाई की ना, तो 0 3 भी हम लिख सकते हैं और ओनली 3 भी लिख सकते हैं. ओके, ऐसे ही सेम हम लोग आगे के एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, लेट्स सी अदर एग्जाम्पल. ओके, यू ऑलरेडी नो 0 मीन्स, सॉरी, ओ मीन्स वंस, देन 3 मीन्स टेंस. ओके, सो वंस के प्लेस पे कितने बीट्स है? लेट्स काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी बीट्स आर देयर? देयर आर 6 beads इन वंस रॉड. ओके, वंस के रॉड में कितने बीट्स है? 6. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपको नहीं लिखना है. ओके, ओके, 6 ones. ओके, टेंस के रोड में कितने?
नहीं है, इट मीन्स 0 10, ओके 0 10 6 1, ओके लिखा ना मैंने यहाँ पे 0 10 6 1, इट मेक्स 10 स्टेप। वो वाला पहला नंबर हम लोग लिखेंगे, वंस वाला उसके बाद उसके पीछे, ओके लाइक दिस। तो कौन सा नंबर बना 0 6, ओके। पर यहाँ पे टेंस, टेंस में टू प्लस ऑक्यूपाइड होती है, पर टेंस तो है ही नहीं हमारे पास, टेंस का कोई नंबर नहीं है, ओनली वंस का नंबर है 6, ओके। तो वंस वाले यानी कि 0 से लेकर 9 नंबर तक वो नंबर है वो कितनी प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, ओनली 1, ओके। तो आप अगर 0 6 लिखते हो तो वो भी 6 ही है, राइट ही है, ओके। और ओनली अगर 6 लिखते हो तो वो भी राइट है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, ओके 6 वंस, ओके। तो कौन सा नंबर है ये 6, डन। नाउ नेक्स्ट हियर यू कैन सी वंस, वंस के राउंड में कितने बिट्स है, नथिंग, ओके कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 1s, ओके हियर इज 0 1s एंड टेंस पे कितने है ओनली 1, यानी कि 1 10, ओके क्या होगा यहाँ पे 1 10, ओके टेंस की प्लेस पे 1 बिट है, इट मींस 1 10, और 0 की प्लेस पे एक भी बिट नहीं है, यानी कि 0 1s, 1 10 0 1s। नेक्स्ट कौन सा नंबर बनेगा 1, यानी कि 1 10, 10 वाला नंबर पहले लिखो और 1s वाला उसके पीछे, ओके नेक्स्ट यानी कि 1 0 10, ओके 1 10, 1 10 0 1s, नेक्स्ट व्हिच नंबर 1 0 10, सो यू हैव टू राइट हियर 1 0 10 इन दिस बॉक्स, ओके यू हैव टू राइट विथ मी, लिख रहे हो ना आप, ओके 1 0 10 डन। नेक्स्ट डी, ओके वंस की प्लेस, वंस की प्लेस पे कितने बिट्स है 1, ओके वंस की प्लेस पे है 1 बिट, यानी कि 1 1, ओके 1 1, एंड टेंस की प्लेस पे हाउ मेनी बिट्स आर देयर 1, ओके सो 1 10, ओके सो व्हिच नंबर इज दिस 1 10 एंड 1 1 मैक्स 1 1, तो व्हिच नंबर इज दिस 1 1 11, ओके 1 10 1 1 मैक्स 1 1 11, ओके यू हैव टू राइट नंबर 11 इन दिस बॉक्स, ओके अगर नहीं लिखा है तो भी आप लिख लो, समझ में आया ये आपको, ओके कर रहे हो ना बुक में पेज नंबर 85 पे, यहाँ पे आपको करना है इस बॉक्स में, ओके 85 नंबर पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि राइट द नंबर फॉर आफ्टर काउंटिंग दिस बिट्स, ओके बिट्स काउंटिंग करके आपको नंबर लिखना था, तो हमने किया ना बिट्स काउंट करके नंबर लिखा ना यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नंबर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, ओके आपके पास नंबर है, ओके तो उसके हिसाब से आपको ये वन से और टेन से उसके रोड में आपको बीट्स ड्रॉ करने हैं। यू कैन सी हियर ड्रॉ बीट्स ऑन द अबेकस टू मैच द नंबर्स गिवन, ओके आपको नंबर देखना है और फिर इसमें बीट्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ओनली, ओके डोंट यूज क्रेयॉन और स्केच पेन, ओके मैं यहाँ पे कलर चॉक यूज कर रही हूँ, पर आपको पेंसिल से ही अच्छे से बीट्स ड्रॉ करने हैं, ओके विदाउट एनी मिस्टेक। सो लेट्स डू दिस, फर्स्ट विच नंबर इज दिस नंबर 4, ओके अभी आप मुझे बताओ ये सिंगल डिजिट नंबर है या टू डिजिट नंबर है, ओके सो 0 से लेके 9 तक सभी नंबर क्या है सिंगल डिजिट नंबर, ओके और सिंगल डिजिट नंबर एक ही प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, ओके तो सिंगल डिजिट नंबर है 4, ओके तो 4 तो हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करेंगे वंस में, ओके वो एक ही प्लेस ऑक्यूपाई करता है सिंगल डिजिट नंबर, तो हम लोग ये 4 यानी कि 4 बिट्स कहाँ पे ड्रॉ करेंगे वंस में, ओके यहाँ पे दूसरा नंबर कोई नहीं है, देखो एक ही नंबर है, अगर दूसरा नंबर होता है 4 के आगे तो हम लोग टेंस में बिट्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स टेंस क्या है 0, टेंस क्या है 0, 4 का मतलब क्या है अगर मुझे इसको 2 डिजिट नंबर में लिखना है 4 को तो मैं कैसे लिखूंगी 0 4, ओके अगर आप 4 लिखो 0 4 लिखो वो था सेम, ओके पर यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या है 0, यानी कि कोई भी बिट नहीं है, टेंस की प्लेस पे 0 मीन्स नथिंग, देयर इज नथिंग, ओके और वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, इट मीन्स वंस की प्लेस पे जो जितना नंबर है उतने बिट्स हम लोग वंस वाले रोड में ड्रॉ करेंगे, ओके तो चलो अभी आप लोग मेरे साथ
बीट्स ड्रॉ करोगे, ओके अच्छे से। चलो करो ड्रॉ, 1, 2, 3 and 4, ओके यू हैव टू ड्रॉ 4 बीट्स इन वन स्लॉट, ओके वंस के नोट में आपको 4 बीट करने हैं लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके दिस इज फॉर वंस एंड दिस इज फॉर टेंस, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको 4 करना है, ओके यानी कि ये वंस का प्लेस है, भाई वंस के प्लेस पे आपको क्या करना है, 4 बीट ड्रॉ करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बीट्स ऐड किए लाइक दिस, और टेंस की प्लेस पे एक भी बीट नहीं ऐड किया, इट मींस टेंस क्या है 0 और वंस क्या है 4, ओके समझ में आया आपको, डन लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट 5, दिस इज आल्सो सिंगल डिजिट नंबर, 0 to 9 रिमेंबर सिंगल डिजिट नंबर, ओके तो सिंगल डिजिट नंबर मींस उसको मुझे 2 डिजिट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी 0 5, ऐसे लिखूंगी ना मैं 2 डिजिट नंबर में, 0 5 बोलो या 5 बोलो बोथ आर सेम, वो 5 ही नंबर है, ओके यहां पे 0 4 बोलो या 4 बोलो दोनों 4 ही नंबर है, ओके दोनों सेम है। तो यहां पे 0 5, तो ये जो पहला नंबर है वो किसका है, टेंस का, ओके यानी कि टेंस के प्लेस पे हमें कितने बिट्स ड्रॉ करने हैं, 0 0 बिट्स ड्रॉ करने हैं, 0 बिट्स ड्रॉ मींस नथिंग, कुछ भी ड्रॉ करना नहीं है, टेंस पे हमें कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है। एंड नेक्स्ट इज 5, तो नेक्स्ट नंबर किसका होता है, वंस का, ओके तो वंस के प्लेस पे हमें कितने बिट्स ड्रॉ करने हैं, 5, ओके तो चलो ड्रॉ करो मेरे साथ 5 बिट्स, 1 2 3 4 and 5, got it, समझ में आया आपको, here 0 4 and here 0 5, okay आगे 0 means आगे वाला नंबर है tens का, तो पीछे वाला नंबर है ones का, okay तो आगे tens means 0 0 means nothing, देखो दोनों में हमने कुछ भी draw नहीं किया, okay 0 means, तो पीछे वाला नंबर यहाँ पे 4 है तो 4 draw किया, यहाँ पे 5 है तो 5 draw किया, okay got it। Now next here 1 8 18, okay this is 2-digit number, 2-digit number है ना 1 8 18, okay so first number is for tens, okay so tens में कितने bits draw करेंगे, 1, okay so 1 bit draw करो tens वाले road में यहाँ पे, okay and 8, okay next number जो है वो किसका है, ones का, okay तो ones वाले side में हम लोग क्या draw करेंगे, 8 bits draw करेंगे। तो चलो करो 8 बिट ड्रॉ, आप लोग काउंट करके ड्रॉ करना, ओके तो मिस्टेक नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ओके ऐसे काउंट करो और ड्रॉ करो, ओके 1 इज फॉर 10 एंड 8 इज फॉर वंस, ओके 1 8 18, डन। नेक्स्ट हियर 2 डिजिट नंबर, ओके डी वाला 2 डिजिट नंबर है, 1313 इज 2 डिजिट नंबर, आफ्टर 10 जितने भी नंबर है अप टू 99 क्या है 2 डिजिट नंबर, ओके फर्स्ट नंबर इज फॉर टेंस और सेकंड नंबर इज फॉर वंस, ओके तो फर्स्ट नंबर कौन सा है 1, तो वो हम लोग कहां पे ड्रॉ करेंगे टेंस में, ओके ये 1 जो है आप टेंस में ड्रॉ करोगे, अगर वंस में ड्रॉ किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके ये लेफ्ट साइड वाला नंबर जो है वो वंस में ड्रॉ करोगे और राइट साइड वाला नंबर जो है वो हमेशा टेंस में आप ड्रॉ करोगे, ओके उसके बिट्स, ओके सो 1 यानी कि 1 बिट, ओके 10 के रोड में हम लोग 1 बिट ड्रॉ करेंगे और वंस के रोड में कितने बिट्स ड्रॉ करोगे, यस 3 बिट्स, वेरी गुड 1 2 3, ओके 1 1 10 3 1 1 3 30, वट इट अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप लोग कंप्लीट करो, ओके अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करो, पॉज करो, ओके बार बार वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर टू लिप ऑन पेज नंबर 85, ओके यहाँ पे आपको ये अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से नंबर्स लिखने हैं और यहाँ पे अच्छे से पेंसिल से बिट्स ड्रॉ करने हैं, ओके एंड डोंट यूज कलर, ओके आपको हमेशा आपको पेंसिल से ही ये बीट्स ड्रॉ करने हैं, ओके थैंक यू।